बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम आपके बुक के यूनिट नंबर 1 द वर्ल्ड इन द वॉल में से एक पैसेज पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। बट माई फेवरेट वर द शायस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। इस स्टोरी में हमने देखा था कि ये एक बच्चा है जो एक दीवार में रहने वाले स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल क्रिएचर्स के बारे में बड़ा क्यूरियस है और उनके बारे में जानना चाहता है, उनके बारे में रिसर्च करना चाहता है। अब वो उसमें से अपनी फेवरेट जो है क्रिएचर या इंसेक्ट उसके बारे में बात कर रहा है। मेरे फेवरेट सबसे शर्मीले मेम्बर थे वॉल कम्युनिटी, यानी कि जो दीवार में रहते थे। दीवार में रहने वालों में मेरे सबसे फेवरेट जो सबसे शर्मीले मेम्बर थे who did not seek any attention, जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। They were also the most dangerous, और वो सबसे खतरनाक भी थे। You hardly ever saw one unless you looked for it, आपको मुश्किल से ही कोई नजर आएगा जब तक आप इसको तलाश ना करें। यानी कि ये तलाश करने पर आपको मिल सकते हैं मगर ये बहुत कॉमन आपको नजर नहीं आएंगे। एंड येट देयर मस्ट हैव सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, मगर इसके बावजूद ये एक दीवार के क्रैक में कई सौ की तादाद में हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उसके शायस्त को उसने क्लियर किया है कि ये शर्मीले होते हैं, बाहर निकल के बहुत ओपनली फिरते नहीं है, इसलिए आपको नजर नहीं आते, मगर एक दीवार के एक क्रैक में ये हंड्रेड्स में भी की तादाद में हो सकते हैं। इफ यू जेंटली लिफ्ट अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर, अगर आप बहुत एहतियात से उठाते हैं उखड़ा हुआ प्लास्टर का एक टुकड़ा फ्रॉम द ब्रिक ईंट से, देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, तो ये उसके नीचे रिंगते हुए वुड बी लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, तकरीबन एक इंच लंबा जो बिच्छू आपको नजर आएगा, लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट। ये आपको देखने में ऐसा मालूम होगा कि जैसे ये पॉलिश्ड चॉकलेट से बना है, यानी कि इसका कलर ब्राउन और ऑलमोस्ट शाइनी सी स्किन इसकी होती है, तो उसने उसको पॉलिश्ड चॉकलेट के साथ रिजेंबल किया है। आइए अब हम इस पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। Who were his favorites? उसके पसंदीदा कौन थे? His favorites were the shyest member of the wall community who did not seek any attention. अपने पैराग्राफ में से इस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसमें उसके फेवरेट होने की रीजन बताई गई है। Where did these creatures live? They lived in the cracks of the wall. ये दीवारों की दरारों में रहते हैं। What did the scorpion look like? स्कॉर्पियन किस तरह के नजर आते हैं? The scorpion looked like as if he were made out of the polished chocolates. वो ऐसे मालूम होता था जैसे वो polished chocolate से बनाया गया है। Which degree of adjective shyest is? जैसे हम जानते हैं कि adjectives की तीन डिग्री होती हैं, जिसमें जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज को सबसे सुपीरियर, सबसे अलग करके ओनली वन के तौर पर जाहिर करते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव, यानी कि उसको जब हम सुपीरियर बना देते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो शाय के जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है शायस्ट, सबसे शर्मीला, तो ये शायस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। राइट टू वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज, तो वर्ब होता है किसी काम को करना, जब आप कोई परफॉर्म कुछ कर रहे हैं तो वो वर्ब होता है, तो इसमें वर, हेल्पिंग वर्ब, सीक, सॉ, लुक्ड, लिफ्टेड और मेड वर्ब यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट, अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, इन क्वेश्चंस को इसमें से ढूंढें और इसके बाद अपनी कॉपी पर लिखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।